हम शिखर जी की यात्रा में जा रहे हैं, मैं और मेरी सिस्टर दोनों। एंड यहाँ पे मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लाइक मैंने आपको बोला है कि मेरा कंपनी है खुद का, ट्रेड विद ADPI। ओके, तो यहाँ पे ट्रेडिंग चल रही है। ओके, एंड दिस इज वन हिज माय सिस्टर, सो ये मैं हूँ। देखो, तो अब अपन आप मैं आपको नेक्स्ट अपडेट में बताऊँगा कि क्या होने वाला है। देखो, अभी सासाराम आ चुका है, सो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। देखो, ये सासाराम जंक्शन है, ये मेरी सिस्टर है यहाँ पे, और हम लोग अभी थोड़ा सा बाहर आए हैं क्योंकि पूरे रात सोए हैं ना। तो ये देखो, और अभी अपन पारसनाथ स्टेशन लगभग 10 बजे के पास में पहुँच जाएंगे। और आप लोग ये पूछोगे कि ये कौन सी ट्रेन है, ये सियालदा एक्सप्रेस है। ओके, अजमेर सियालदा, तो क्योंकि ये हमारे जयपुर से पास में पड़ते हैं ना, तो इसीलिए हम इसे में जाते हैं। तो मैं आपको ना नेक्स्ट अपडेट बाद में दूंगा। ओके, देखो ये बहुत ही शानदार नज़ारा है सीकर जी जाते हुए। बहुत जल्द हो, देखो आप अभी अपन पारसनाथ स्टेशन पहुंच चुके हैं। तो अभी देखो, अभी हम जस्ट ट्रेन से उतरे हैं, तो अभी हमको ना एक ऑटो लेना पड़ेगा। ओके, तो उसके बाद में हम पहुंचेंगे। तो मैं आपको ना नेक्स्ट अपडेट अब आगे का देता हूँ। तो हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे आप अगर इस वाले स्टेशन प्लेटफॉर्म पे उतरो ना, तो यहाँ पे ना ये ऊपर सीढ़ी है चढ़ने के लिए। ओके, तो अपन सीढ़ी से चलते हैं। देखो, मैं ये काफी डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप लोग इसको आराम से देखना। यहाँ पे सब लोग आए हैं, एंड हमेशा याद रखना आपको एडवांस में रूम बुकिंग करनी पड़ेगी। ओके, तो बेस्ट रहेगा, वरना आपको फिर बाद में आप आओ और आपको मिले नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको। काफी सारी वेबसाइट्स हैं, एंड आप वैसे भी कॉल करके बुक कर सकते हो। ये पारसनाथ स्टेशन है, जैसे कि मैंने आपको बोला था, ये पारसनाथ स्टेशन है। तो देखो, आपको ना ऐसी बहुत सारी ओमनी कार्स मिलेगी, तो आपको इनमें बैठ के जाना पड़ेगा। ओके, अगर आप फैमिली के साथ में, अगर आपका बड़ा फैमिली है, तो आपको इस तरह की कार बुक करनी पड़ेगी। एंड अदरवाइज आप एक मिनी के अंदर भी जा सकते हैं। ऑलमोस्ट 100 से 50 रुपये ये लोग लेते हैं। ओके, अभी जो मैंने बात करी है 70 रुपये लिए हैं, और अभी थोड़ी देर में ये कार में अभी स्टार्ट हो जाएगा। एंड आप देख लो, ये पारसनाथ स्टेशन है। काफ़ी डिटेल वीडियो बना रहा हूँ मैं, सो आई होप आप लोग देखेंगे इस तरह से। सो थैंक यू, नेक्स्ट अपडेट में मिलते हैं। ये रूम है, आप लोग देख सकते हो, काफी अच्छा रूम है उत्तर प्रदेश प्रकाश भवन का। सो ओके, तो मैं आपको अब नेक्स्ट अपडेट में बताऊंगा कि क्या करना है। ये देखो, समेत शिखर जी का पहाड़, ये सामने दिख रहा है आपको, यहाँ से ये छोटा दिख रहा है, बट इसके जस्ट पीछे एक और पहाड़ है, वो इतना बड़ा पहाड़ है कि आप लोग सोच नहीं सकते, ठीक है ना। तो अभी अपन एक नॉर्मल व्लॉग कर रहे हैं, आप लोगों को थोड़ी याद आ, जो कोई जो पहली बार आए हैं वो इस तरह से देख सकता है, जो पहले काफ़ी बार आ चुके हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं ना, तो उनके लिए क्या होगा, एक यादगिरी ताज़ा हो जाएगी, भाव वंदना हो जाएगी एक तरह से, राइट, कि आप समेत शिखर जी की मतलब मार्केट में घूम रहे हो, इसका मतलब तो ये हुआ ना। मौसम भी देख लो, ब्लैक ब्लैक हो रहा है, काफ़ी बादल हो रहे हैं। ओके, तो लेट्स सी, बट मुझे अपने ना दादा पर विश्वास है कि ना मैं जब चढ़ूंगा ना तो बारिश नहीं होगी, फिर भी मैंने रेनकोट लिया है। ओके, एंड मैं तो काफी बार आ चुका हूं, मैं हमेशा व्लॉग बनाता हूं, आप लोगों ने देखा होगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो, मैं हर साल आना चाहता हूँ यहाँ पे, मैं मेरे लिए ये पता है, ये स्वर्ग से कम नहीं है, समेत शिखर जी जो है मेरे लिए स्वर्ग से कम नहीं है, इतना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो के अपडेट में बताऊँगा।